हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे चैनल टैकी यासर में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ क्रिकेट लीग गेम के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से गाइस इस गेम में बैटिंग और बॉलिंग करना है बहुत ही शानदार तरीके से। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। और गाइस, अगर मेरे चैनल पर नए तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑप्शन ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, सबसे पहला टर्न है हमारा बॉलिंग के लिए। तो गाइस, बॉलिंग के लिए मैं सबसे पहली बॉल इस जगह पर गाइस चूज़ करता हूं। तो आपको बिल्कुल ये जगह देख लेनी होगी। और गाइस, फिर उसके बाद गाइस यहां पर एक स्लो बॉल मैं यहां पर डालूंगा, स्पिनिंग बॉल। तो गाइस, यहां से देख सकते हो आप, इस तरह से मैंने ये बॉल डाली और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मिस हो चुकी है सामने वाले प्लेयर की। तो गाइस, इस तरह से आपको बॉलिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी बॉल हमको डालना है। और इस बार मैं गाइस यहाँ पर जो मेरा बॉलर है वहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एक बार गाइस फिर एक बार बॉलिंग यहाँ पर मैं करता हूँ। और गाइस, इस बार स्टैम्प पर बॉल डालता हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पर, और ये इस पर अच्छा शॉट खेल दिया है सामने वाले प्लेयर ने। और गाइस, ये इसको 3 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। तो गाइस, ये दूसरी बॉल भी हमने अच्छी डाली थी यहाँ पर। अब गाइस, मैं बॉलर यहाँ पर चेंज करता हूँ। और गाइस, यहाँ पर अब इस तरफ से स्पिन कराऊँगा इस बॉल को। और गाइस, बॉल को हो सके तो इस ब्लू वाले गाइस जो कलर की वाली लाइन आती है इस पर गाइस कर जब हम बॉल डालते हैं, तो गाइस यहाँ पर टोक पड़ने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर फिर एक बार 3 रन सामने वाले प्लेयर के बने हैं। और अब गाइस, इस बॉल पर हम इसको बोल्ड करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस मैंने बिल्कुल सामने स्टैम्प पर बॉल डालने की सोची है। और गाइस, यहाँ पर मैं जो बॉलर चुनूंगा गाइस वो फास्ट बॉलर रहेगा। और गाइस, इस बार मैं यहाँ पर स्टैम्प पर बिल्कुल बॉल डालने वाला हूँ। और गाइस, यहाँ से देख सकते हो आप, बोल्ड हो चुका है ये सामने। तो गाइस, देख सकते हो किस तरह से ये बीट हुआ यहाँ पर। मैंने स्लोअर बॉल डालने के बाद एक फास्ट बॉल यहाँ पर डाली। और गाइस, इस तरह से जो सामने वाला प्लेयर था वो गाइस आउट हो चुका है। और गाइस, अब हमारी बैटिंग की टर्न आ चुकी है। तो गाइस, बैटिंग के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 6 रनों का टारगेट यहाँ पर मिला हुआ है, यानी कि अगर हम 7 रन बनाते हैं तो इस मैच को जीत लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर पहली बॉल डलने आ रही है। और गाइस, अब यहाँ पर मैं आपको बैटिंग भी बता देता हूँ किस तरह से यहाँ पर सिक्स मारा जाए। तो गाइस, इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर से जैसे ही गाइस बॉल डले, और गाइस इस तरह से इसको छोड़ देना होगा। और गाइस, 6 रन आप सामने ही देख सकते हो अपने। तो किस तरह से मैंने गाइस ये शॉट दिया, टाइमिंग वाला शॉट था गाइस, इस तरह से इसको खेलना होगा। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा ये शॉट। और गाइस, अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अगर टाइमिंग मिस होती है तो गाइस किस तरह से हमको जो आउट हम हो जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक और मैं शॉट देने की कोशिश करता हूँ। और गाइस, देख सकते हो यहाँ पर बोल्ड हो चुका हूँ मैं। तो गाइस, यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी टाइमिंग की मिस्टेक की वजह से गाइस यहाँ पर डायरेक्ट मैं बोल्ड हो चुका हूँ। तो गाइस, जब भी आपको सिक्स मारना होगा यहाँ पर आपको टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बाकी गाइस, ये मैच हमारा ड्रॉ होता है। गाइस, ड्रॉ के बाद फिर मैंने उसको खेला भी नहीं था। तो गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑप्शन जरूर कर देना। ऐसी वीडियोस आपके लिए डे टू डे लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।